जानवरों को हमारा अच्छा दोस्त माना जाता है। डॉग्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर है और इसके अलावा ये यकीन करना अक्सर मुश्किल होता है कि कुत्ते के रूप में इस तरह के चतुर और दयालु पालतू जानवर कैसे किसी के अंगों को काट सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं 10 सबसे खतरनाक नस्ल के कुत्तों के बारे में। और दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। कॉकेशियन शेफर्ड हमारे लिस्ट के टॉपर से मिले, जिसे कॉर्केशियन ऑफचारका के नाम से भी जाना जाता है। ये कुत्ता बहुत बड़ा हो सकता है और ये 50 किलो या 110 पाउंड का होता है वजन में। इसके लाइफ स्पैन है 10 से 12 साल। ये रशियन और यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग गार्ड डॉग्स के लिए होता है पहाड़ी इलाकों में। अमेरिकन बेनडॉज ये मजबूत कुत्ता एक अमेरिकन पिटबुल टेरियर और एक नेपोलिटन मैस्टिफ के बीच के क्रॉस ब्रीड है। अपने मस्कुलर रूप के बावजूद कुत्ते को मूल रूप से लड़ाने के लिए क्रॉस ब्रीड नहीं किया गया था, पर फिर भी कुछ इसे कुत्ते को लड़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बोयर बोयल बोयर बोयल दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा मैस्टिफ डॉग ब्रीड है, जिसे एक घर या फार्म की रखवाली करने के लिए ब्रीड किया जाता है। ये डॉग अक्सर शिकारियों से खुद को रक्षा करने के लिए और ट्रेसेस को पकड़ने में यूज किए जाते हैं। बोयर बोयल बहुत ही वफादार होते हैं और अपने परिवारों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। बुलडॉग बुलडॉग जिसे पाकिस्तानी बुलडॉग के नाम से भी जाना जाता है, बुल टेरियर और बुली डॉग के बीच का क्रॉस ब्रीड है। बेहद ही मजबूत और शक्तिशाली डॉग को स्पेशली एक फाइटिंग डॉग के रूप में ब्रीड किया गया था और इसे बहुत ही अग्रेसिव और अनकंट्रोलेबल माना जाता है। अमेरिकन बुलडॉग एक मस्कुलर और हैवी डॉग है। यह अपने शांत और फ्रेंडली बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। इस ब्रीड को एक काम करवाने वाले डॉग के रूप में पाला गया था, जो जंगली सोर और कैटल्स को पकड़ सकता था और उन्हें मारकर अपने मालिक के प्रॉपर्टी की रखवाली कर सकता था। ग्रेट डेन ये डॉग जर्मन मैस्टिफ या डेनिश हाउंड के रूप में भी जाना जाता है। घरेलू कुत्ते ये ब्रीड अपने बड़े और हैवी साइज के लिए फेमस है। ये ब्रीड दुनिया में सबसे लंबे 44 इंच का रिकॉर्ड रखते हैं और मूल रूप इसे जर्मनी में वाइल्ड बेयर और हिरन के शिकार करने के लिए पाला गया था। फिला ब्रेसिलेरियो को ब्राजीलियन मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्राजील का एक हेवी डॉग है। इसमें बहुत अच्छे ट्रैकिंग एबिलिटीज है, लेकिन ये एक डेंजरस और एग्रेसिव डॉग भी है। अपने हेवी साइज, नेचर और अग्रेशन की क्वालिटीज के कारण ब्राजीलियन मैस्टिफ को बहुत सारे कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। वुल्फ हाइब्रिड जैसा कि इसका नाम है, वुल्फ हाइब्रिड जिसे वुल्फ डॉग भी कहा जाता है, एक कुत्ते और एक भेड़िए के बीच का एक क्रॉस ब्रीड है। वुल्फ डॉग हाइब्रिड जेनेटिकल ट्रेट्स दिखाता है, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में दोनों वुल्फ और डॉग के लक्षण दिखाई देते हैं। ये दिखने में भी काफी खूंखार लगते हैं। हस्कीज नॉर्दर्न कंट्रीज में स्लेजेस खींचने के लिए और उनकी तेज खींचने की क्वालिटीज के लिए इस डॉग को जाना जाता है। ये स्लेज डॉग रेसिंग और एडवेंचर ट्रैकिंग के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। हालांकि ये अपने मजबूत हंटिंग के कारण छोटे जानवरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं और अगर ये बोर्ड हो गए तो बहुत ही डेंजरस होते हैं। जर्मन शेफर्ड जर्मनी से ओरिजिनेटेड डॉग की एक ब्रीड जर्मन शेफर्ड का वेट 70 से 100 पाउंड तक हो सकता है। इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, अलर्ट और नीडर होने के कारण पुलिस उन्हें अपने K9 यूनिट्स के लिए उपयोग करते हैं। हालांकि शेफर्ड के साथ सावधानी से बरती जाने चाहिए, क्योंकि यह अपने फैमिली के प्रति सुरक्षित हो सकते हैं और यदि उनका सही ढंग से मेंटेनेंस नहीं किया गया तो ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे वर्ल्ड के सबसे डेंजरस डॉग ब्रीड के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।